टैली के इस अध्याय में हम सब जीएसटी अनेबल करना जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस पर लगाए जाने वाले टैक्स ही हमारे जीएसटी कहलाते हैं। और हमारा जो जीएसटी होता है वो चार टाइप से लगते हैं, यानी कि चार मोड होते हैं उसके। जो 5% का होता है, 12% का होता है, और 18% का होता है, और 24% का जो जीएसटी होता है वो हमारा लगता है। ओके, अब आइए इसको हम अनेबल कैसे करते हैं अपने अकाउंट में वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी अनेबल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। जैसे ही आप यहाँ पर F11 प्रेस करते हो, आपका यहाँ पर कंपनी फीचर का ऑप्शन आता है। ओके, जिसमें आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेटरी एंड टैक्सन। अगर आप यही इसका शॉर्टकट कीच अपनाना चाहते हो तो राइट साइड में आप पैनल पे यहाँ पर देखोगे, F1 से अकाउंट आ जाएगा, लेकिन F2 से इन्वेंट्री आएगा, F3 से स्टेटरी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेटस एंड टैक्सन का जो शॉर्टकट कीज है वो अपनाना है। तो इसका जो शॉर्टकट कीज होता है हमारा F3। क्या करना है, हमें यहाँ से F3 को प्रेस कर देना है, क्योंकि जो जीएसटी हमारा अनेबल होता है वो हमारा किस में अनेबल होता है, स्टेटरी एंड टैक्सन में। तो बस क्या करना है, कीबोर्ड से आपको F3 प्रेस कर देना है, जिससे कि आप स्टेटरी एंड टैक्सन के अंदर आ जाएंगे, जिसमें आपको मिलेगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस क्या करना है, आपको यहाँ से यस कर देना है। क्या करना है, इसे यस कर देना है। यस करने के बाद उसी के जस्ट नीचे आपका आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। आपको क्या करना है, इसे भी यहाँ से अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा आता है स्टेट का, यानी कि जो कंपनी आपका, यानी जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, उस स्टेट को आपको ले लेना है। तो हमारा जो कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेंगे। लेने के बाद इंटर कर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा मिलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का है, कंपोजिशन है कि रेगुलर है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि इसका एक पंजीकृत व्यक्ति है जो अनेक आइटम का, यानी कि अनेक आइटम का जो जीएसटी लगता है उसे एकत्रित कर फाइन करता है। यानी कि आपके कई सारे प्रोडक्ट हैं और उसको क्या करता है, वो एकत्रित करता है और उसको जीएसटी फाइन करता है। और रेगुलर में क्या होता है आपका, कि एक निम्नोत्तर यानी कि साधारण जो बिजनेसमैन होते हैं या साधारण जो व्यापारी होते हैं उनके लिए लगाया जाता है। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेगुलर ले लेंगे। लेने के बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका एसेस ऑफ अदर टेरेटरी। मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या अदर क्षेत्र से आता है, यानी कि अदर स्टेट हुआ या अदर कंट्री हुआ। अगर आपका अदर स्टेट या अदर कंट्री से आता है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से यस कर लेना है। अगर यस करना है तो यस करिए, नहीं तो नो ही आप यहाँ पर इसे रहने दीजिए। करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा जीएसटी नंबर, यानी कि जो आपका जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो हम यहाँ पर, हमारा कोई जीएसटी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर फिल नहीं करते हैं। अगर आपका जीएसटी नंबर होगा तो आप उसे यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो हम इंटर करके आगे आते हैं, एक बार और इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आता है अप्लीकेबल फॉर्म, यानी जो जीएसटी आपने लिया था वो आपका कब अप्लीकेबल हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो किस डेट का आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो डेट आपको यहाँ पर देना होता है। तो जो डेट होगा वो डेट आप यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद आप नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पर आता है प्रायोरिटी ऑफ जीएसटी R1, यानी कि जो आप जीएसटी फाइन करते हो वो मंथली करते हो कि क्वार्टरली। मंथली अगर महीने बाय महीने करते हो तो मंथली, अगर 6 महीने पर, 3 महीने पर करते हो तो आप यहाँ पर क्वार्टरली ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मंथली को चॉइस कर लेते हैं। मंथली चूज करने के बाद अब यहाँ पर हमारा आता है ईवे बिल अप्लीकेबल। मतलब अब ईवे बिल क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है ना। अगर देखिए, आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं या तो बेचते हैं, अगर आप 50,000 से ऊपर का बिजनेस करते हो, क्या करते हो आप 50,000 से ऊपर का बिजनेस करते हो, तो उसके लिए आपको ईवे बिल भी
देना होता है, यानी जीएसटी के साथ साथ आपको उस व्यक्ति को ईबे बिल भी देना होता है कि यह व्यक्ति आपका यानी आपके कंपनी से 50,000 का बिजनेस किया है या उससे अधिक का, जैसे 1 लाख भी होता है, हो सकता है 60,000 का भी हो सकता है, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे हो सकता है। तो अगर वो आपका 50,000 के एवब का बिजनेस करता है तो आपको इसे यस करना होता है, अगर वो 50,000 से नीचे का बिजनेस करता है तो आप इसे नो कर देंगे। तो हम इसे यस ही रखने देते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट अप्लीकेबल फ्रॉम। अब ये आपका ईबे बिल जो होता है इसका रजिस्ट्रेशन आपने कब लिया था वो डेट आपको देना होगा। जैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं वैसे ही आपका ईबे बिल भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसका एक पोर्टल होता है जहाँ से आप ईबे बिल को लेते हो, ठीक है? तो वो डेट आपको दे देना है आप जब ईबे बिल को लिया था यानी रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है इसको इनवॉइस वैल्यू में ही रखना है, यानी कि इंक्लूड है। जैसे आप जो भी ट्रेसरी लिमिट आप इंक्लूड करते हो इनवॉइस वैल्यू पर करते हो कि टैक्स टेबल पर करते हो कि टैक्स टेबल गुड वैल्यू पर करते हो यानी किस पर करते हो आप, वो आपको देना होता है। तो हम यहाँ से इसे इनवॉइस वैल्यू में ही रखते हैं। बाकी आपका यहाँ पर जो है डिटेल उसको आप उतने ही रहने दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। बाकी थोड़ा सा एंटर करते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, आपको क्या करना है यहाँ से इसे यस कर देना है। अब जैसे यहाँ से यस करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाता है जिसमें आपको मिलता है टेक्स्टबिलिटी, यानी जो टेक्स्ट आप लगा रहे हो वो किस टाइप से है। टेक्स्टबिलिटी में आपका सबसे पहले आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, यानी यह जीएसटी यानी यह आपका क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है यानी यह ऑप्शन आपका जीएसटी लॉ के अंदर नहीं आता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आपका है जिस पर जीएसटी कुछ भी नहीं लग रहा है तो आप उस प्रोडक्ट पर एक्सेप्ट लगा सकते हो क्योंकि यह जीएसटी लॉ के अंदर नहीं आता है। वही नेक्स्ट आता है आपका नील रेटेड। अब नील रेटेड क्या होता है, यह जीएसटी लॉ के अंदर आता है परंतु इस पर 0% का जीएसटी लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी तो लग रहा है लेकिन 0%, तब आप उसके लिए नील रेटेड का प्रयोग करेंगे। फिर आता है टैक्सेबल, मतलब आपको पता ही है टैक्सेबल में क्या होता है, जिस पर आप जिस प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है उसके लिए आप टैक्सेबल लगाओगे क्योंकि ये जीएसटी लॉ के अंदर आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से टैक्सेबल को ले लेंगे। लेने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स टाइप, यानी जो जीएसटी आपका लगता है वो कितने टाइप से लगता है। आपने देखा होगा कि सी जीएसटी लगता है, एस जीएसटी लगता है और आपका आई जीएसटी लगता है, यानी तीन टाइप से हमारा जो जीएसटी होता है वो लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आई जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जो टैक्स है सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी सी जीएसटी और एस जीएसटी हमारा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F12। जैसे आप F12 प्रेस करते हो इंटर करते हो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, बस क्या करना है आपको यहाँ से इसे यस कर देना है। जैसे आप वहाँ पर एस करते हो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और टैक्स टैक्स आपका दिखने लगेगा। इंटीग्रेटर का मतलब होता है आई जी एस टी, सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल जी एस टी यानी सी जी एस टी और स्टेट टैक्स का मतलब होता है एस जी एस टी। ओके, तो इंटीग्रेटर में आपको यानी अब आपके प्रोडक्ट पर कितना जी एस टी लगता है वो आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट पर 18% का जी एस टी लगता है तो हम यहाँ पर 18 दे देंगे, बाकी आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो होता है आपका आधा आधा अपना बांट लेते हैं, यानी 99% अपना बांट लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ सेंटर का तो हम इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे, बाकी का यहाँ से हम पूरे ऑप्शन के यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेंगे। एक्सेप्टेड करने के बाद ये ऑप्शन फिर से हमारा आएगा और इसे हम क्या करेंगे यहाँ से एक्सेप्टेड करते हुए यानी इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे तो जो हमारा जीएसटी होगा वो अनेबल हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।